माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ऐसे एक बार पता है क्या होता है, एक बार एक गांव में बहुत पहुंचे हुए महात्मा आते हैं। तो क्या होता है कि महात्मा जी क्योंकि बहुत पहुंचे हुए हैं तो सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और महात्मा जी को कहते हैं कि महात्मा जी कुछ सुनाइए। तो महात्मा जी उन्हें कुछ सुनाने लगते हैं, ईश्वर से जुड़ी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्हें सुना रहे होते हैं। इसी दौरान क्या होता है कि भूकंप आ जाता है, सब कुछ हिलने लगता है, सब इधर उधर भागने लग जाते हैं उठकर, लेकिन महात्मा जी एकदम शांत बैठे हुए होते हैं। सब भाग रहे हैं, महात्मा जी उतने ही शांत। एक व्यक्ति ये सब देख रहा होता है कि महात्मा जी भाग नहीं रहे हैं, सब भाग रहे हैं इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए। तो वो सोचता है कि महात्मा जी बहुत पहुँचे हुए हैं तो क्यों ना मैं महात्मा जी के पास जाकर ही बैठ जाऊँ, मैं भी सुरक्षित रहूँगा। तो महात्मा जी के पास जाके वो बैठ जाता है। फिर क्या होता है, जब सब कुछ शांत हो जाता है, सभी लोग वापस आके बैठने लगते हैं, महात्मा जी वहीं बैठे रहते हैं। तो व्यक्ति पूछता है, महात्मा जी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। हाँ हाँ बोलो बोलो वत्स बोलो। जब ये भूकंप आया, सब इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए और बड़ी शांति से बैठे हुए थे, क्या आपको डर नहीं लग रहा था, आप क्यों नहीं भागे? तो महात्मा जी बोलते हैं, मैं भी भाग रहा था, सबकी तरह मैं भी भाग रहा था, लेकिन आप सभी बाहर भाग रहे थे, मैं भीतर भाग रहा था। मतलब क्या हुआ इस बात का कि हम हर समस्या का समाधान पाने के लिए हमेशा बाहर भागते हैं, लेकिन समस्या का समाधान भीतर है। जिस प्रकार अगर आपको दवाई चाहिए तो आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, इधर उधर तो नहीं भागेंगे। आपको सब्जी चाहिए तो सब्जी की दुकान पर जाएंगे, इधर उधर तो नहीं भागेंगे, सीधी सी बात है। वैसे ही हम जिन जिन चीजों की बाहर तलाश कर रहे हैं वो सब हमारे अंदर है। राजयोग में हमने क्या सीखा, राजयोग में हमने सीखा कि आप ये देह है ही नहीं, आप ये देह है ही नहीं, आप एक आत्मा है, आप एक आत्मा है। मतलब इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है और हम तो अपने आप को ये समझ के जी रहे हैं। अब अगर आप स्वयं को कुछ भी माने, जैसे मान लीजिए नाम की बात करते हैं, मान लीजिए मेरा नाम अमित है, मेरा नाम सुमित है, मेरा नाम कुणाल है, मेरा नाम ये है। अब ये नाम आपको दिया गया, लेकिन जब बार बार ये नाम आपके सामने दोहराया जाएगा तो क्या होगा, हमारा माइंड डीपली स्वीकार कर लेगा कि मेरा नाम कुणाल है। अगर अब आपको कोई अमित कह के बुलाए तो गर्दन थोड़ी ना घूमेगी आपकी, लेकिन कुणाल बुलाए, सब सब सड़क पे जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी को बुला रहा है उसका नाम भी कुणाल, कुणाल आप एकदम देखेंगे मुझे बुला रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि मेरे माइंड की ये प्रोग्रामिंग है। वैसे मेरे माइंड की ये भी प्रोग्रामिंग है कि मैं ये बॉडी हूं, जबकि वास्तविकता क्या है, इस मस्तक के बीच में एक शक्ति है जो इसे चला रही है और उस शक्ति के पिता को ही परम पिता कहते हैं, परम आत्मा कहते हैं। आत्मा है वो परम है, आत्मा है मतलब आत्मा, आत्मा का ही तो पिता होगा, आत्मा शरीर का पिता तो नहीं हो सकता, पर वो परम है। परम क्यों, मतलब सुप्रीम है वो, उसे सुप्रीम कहते हैं, सबसे ऊंचा, सर्वोच्च है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है, तो इसलिए उसके साथ जोड़ते हैं परम, यानी वो आत्मा का पिता है, राइट? तो मैं कौन हूं, एक एनर्जी, एक शक्ति, एक रूह, आत्मा, साइक, मस्तक के बीच में बैठकर वो इस पूरे शरीर को चला रही है। वहां जाना है भीतर, भागो भीतर, अपने ऊपर फोकस करो। क्यों? क्योंकि आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति से बनी हुई है। हमें जब तक ये नहीं पता था ना कि हम ये रूह हैं, हम ये आत्मा हैं, जब तक हम खुद को शरीर समझते थे, हम भी शांति प्रेम बाहर तलाशते थे, सम्मान हमें बाहर से चाहिए था। लेकिन जैसे हमें पता चला कि मैं एक आत्मा हूं, तो अपने आप
दाढ़ी अंदर की तरफ हो गई, अंतर मुखी हो गए, भीतर की तरफ मुख हो गया, राइट। ये सब अंदर भरा। परमात्मा पता क्या कहते हैं, आपके पास ज्ञान का खजाना है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का खजाना। इसलिए कहा जाता है हर एक आत्मा ज्ञान स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के सागर का बच्चा है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। मतलब ज्ञान उसमें भरा पड़ा है। हर एक आत्मा ज्ञान धन से भरपूर है। जो स्थूल धन भी आपके पास आता है, कैसे आता है? जो ज्ञान आपके पास है वही तो स्थूल रूप रख के आपके पास कागज के रूप में आता है। जो ज्ञान आप लेते हैं, आपने गाड़ी ठीक करनी सीखी, वो ज्ञान आपने लिया, अब आप किसी की गाड़ी ठीक करते हैं, आप रिपेयर करते हैं, तो आपको धन आता है। ज्ञान धन है। परमात्मा कहते हैं जो आप ये थोड़ा 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 सीखते हो ये भी ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान वास्तव में आपके पास है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्योंकि वो ज्ञान है जो मेरे पास है, मतलब परमात्मा के पास है, जिस ज्ञान का परमात्मा सागर है। वो ज्ञान हमारे चित्त में बैठा है, उसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। इसलिए खुद से बात करनी चाहिए बार बार, हे मेरे मन, तुम दिव्य ज्ञान से भरपूर हो। तुम में अतः दिव्य ज्ञान भरा पड़ा है। मैं देख रहा हूं हर पल ये दिव्य ज्ञान मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। इससे क्या होगा, दिन भर में जो छोटी छोटी चीजों में फंसते रहते हैं, गाइडेंस मिलता रहेगा। डू इट, डोंट डू इट, ये है असली बात। ये हमने समझनी है। सोल के अंदर यानी रूह के अंदर, आत्मा के अंदर ज्ञान का खजाना है, पवित्रता का खजाना है, प्रेम का खजाना है, शांति का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, संकल्पों का खजाना है। लेकिन जब इस खजाने की अवेयरनेस में रहेंगे कि मेरे भीतर ज्ञान का खजाना है, मेरे पास पवित्रता का खजाना है, तो ही संकल्प श्रेष्ठ उठेगा। तो संकल्पों के खजाने को हम सफल करके खाता और बढ़ाएंगे। एक संकल्प जैसे कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा का रूप होता है बिंदु, ज्योति, पॉइंट, या उसे शून्य की तरह भी कह सकते हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इसे एक के सामने आप एक जीरो जोड़ो तो क्या होता है, 10 हो जाता है। एक और जोड़ो 100, 1000, 10,000, ऐसे वो बढ़ता जाएगा। जीरो लगाते जाओ, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे परमात्मा कहते हैं तीन बिंदु यानी तीन जीरो, तीन शून्य के अवेयरनेस में रहो। और वो तीन बिंदु कौन से हैं? एक मैं बिंदु, एक परमात्मा बिंदु, और ये ड्रामा बिंदु। लेकिन जब तक इसकी अवेयरनेस में नहीं रहोगे, इस वाली बिंदु के, तो वो बिंदु भी नहीं लगा पाओगे। मतलब परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, और परमात्मा से कनेक्ट नहीं हुए तो ड्रामा में जो भी कुछ हो रहा है जीवन में, उसे भी बिंदु नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन बनाने पर आत्मा में यानी माइंड में इतनी पावर होती है कि आप उसे जहाँ चाहे, जैसे चाहें, जब चाहें लगा सकते हैं। ये राजयोग की सबसे सुंदर कह सकते हैं आप बात है। इसलिए परमात्मा एक महावाक्य बार बार कहते हैं, कदमों में पद्मों की कमाई। अगर आप जॉब करते हैं तो देखो, वहां जाने के लिए कदम उठाते हैं ना, तो कदम में पद्मों की कमाई तो वहां नहीं होती है। कमाई होती है पर पद्मों की नहीं होती। लेकिन जितनी भी होती है, जब कमाई हो रही होती है तो चेहरा कैसा दिखता है? एक दुकानदार से पूछो, बिजनेसमैन से पूछो, जब कमाई हो रही होती है तो चेहरा उसका कैसा? खुश। ऐसी परमात्मा कहते हैं कदम उठाओ किस चीज का, कि मैं एक बिंदु हूं, बिंदु, और फिर कर्म क्षेत्र में आओ। तो जब आप स्वयं को सोल समझकर कर्म क्षेत्र पर आएंगे तो आपका समय भी सफल होगा, श्वास भी सफल होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं श्वास का खजाना और समय का खजाना सफल करो। यानी बिंदु समझने से सारे खजाने सफल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि खजाना हमारे भीतर भरा पड़ा है। मतलब ये हो गया कि हम सफलता मूर्त हैं, हम सफलता बाहर तलाशते रहते हैं। जैसे मानो जब नहीं पता था तो शांति बाहर तलाशते थे, लेकिन जब पता चल गया कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति तो मेरा नेचर है, तो शांति बाहर तलाशनी बंद कर दी और अंदर उसे अनुभव करते हैं। वैसे ही सफलता है, सफलता बाहर नहीं है, बाहर अचीवमेंट्स मिलती हैं, अचीवमेंट्स,
ठीक है, और वो अचीवमेंट्स भी आप कितना इन खजानों को सफल करते हो उस आधार पे आपको प्राप्त होती हैं। कुछों ने वो पूर्व जन्मों में किए हैं सफल, कुछ अब कर रहे हैं। जिन्होंने पूर्व में किए हैं उन्हें यहाँ पर कम मेहनत में भी बाहर से चीज़ें अचीव होती रहती हैं, और कुछों ने पिछले में भी नहीं किए और अब भी नहीं किए तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो खजाने मेरे पास हैं यहाँ उनके बारे में मुझे अवेयर रहना है, और उसका बेस्ट टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला। सवेरे उठिए, उन खजानों के बारे में अवेयर होइए, खुद से बातें करिए, हे मेरे मन आप असीम ज्ञान से भरे हुए हैं, असीम दिव्यता से भरे हुए हैं, असीम प्यार से भरे हुए हैं, शक्तियों से भरे हुए हैं। और आप देखेंगे जैसे आप ये बोल रहे होंगे उसी क्षण यह अनुभव होगा, अनुभव होगा, ऐसा नहीं अनुभव नहीं होगा। और ये अनुभव होना ही ये साबित करता है कि वहां खजाना है। जैसे मानो आप किसी धातु को एक निश्चित ताप दो, जब ताप दोगे जैसे लोहे को आप अग्नि दोगे तो एक निश्चित तापमान उसको प्राप्त होगा, तो क्या होगा, पिघल के बहने लग जाएगा। लेकिन आप करें बहना शुरू, एकदम हटा लिया फिर वो रुक जाएगा, फिर बहना फिर ये ऐसे ही हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो खजाना चल निकला है वहाँ से काम पे अपने, और हम फिर आदतन कहाँ, मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, खाने को नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। परमात्मा कहते तुम गरीब हो ही नहीं। जैसे ही स्वयं को सोल समझते हो एक के सामने शून्य लग जाता है, और खुद को सोल समझते ही परमात्मा से कनेक्शन बन जाता है, एक और शून्य लग जाता है। परमात्मा से कनेक्शन बनते ही ड्रामा में होने वाली वो घटनाएं जिन्हें एक सेकंड में भूल जाना चाहिए उन्हें हम भूलने लग जाते हैं, एक शून्य और लग जाता है, और ये शून्य फिर बढ़ते जाते हैं, पद्मों की कमाई हो रही होती है, और ये हमारे सूक्ष्म अकाउंट में जमा होता जाता है, जिसको हम कहते हैं पुण्य का खाता। पुण्य का खाता बढ़ता चला जाता है, लेकिन अनअवेयर, क्योंकि हम इन आंखों से वो दिख नहीं रहा होता है, तो हम कह देते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूं। और अनअवेयर इतना कुछ होते हुए अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे कर देते हैं, मेरे माइंड तू तो बेचारा है। जैसे एक बच्चे की पॉकेट में पिता ने 100 रुपये रखे हो और वो बच्चा भूल जाए कि मेरी पॉकेट में 100 रुपये हैं, और वो पूरे दिन भूखा रहे, क्योंकि पैसे तो भूला हुआ है ना, पर धन तो था ना पॉकेट में। सेम यहां भी ऐसा ही है। तो इसलिए जब हम ये कर रहे होते हैं ना, तीन बिंदु लगा रहे होते हैं, खजाने सफल कर रहे होते हैं, वास्तव में हम हर एक क्षण सफलता प्राप्त कर ही रहे हैं, हम सफलता एंजॉय कर ही रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सही रीति से चल रहे हैं। करिए तो सही, जैसे आप ये करेंगे जो छुटमुट चीज़ें ज़रूरत की बाहर से जिन्हें आप कहते हैं अच्छी, वैसे वो अचीवमेंट्स हैं पर हम उन्हें सफलता कहते हैं, सफलता मिल गई मुझे, अचीवमेंट्स है वो, तो वो भी आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, जितनी चाहिए, नीड के लिए, ग्रीड के लिए नहीं। कई बार हमने कहा है सफलता मन का दूध है, और जो अचीवमेंट्स है बाहर से वो मन के खिलौने हैं। खिलौने भी जरूरी हैं बच्चे के लिए और दूध भी, पर दूध ज्यादा जरूरी है। अगर मन बच्चे को दूध ना मिले ना, फिर आप उसे कितनी भी खिलौने लाके दे दीजिए, चाहे इस देश का, चाहे उस देश का सोफा, इस देश की गाड़ी और उस देश का टीवी, कुछ भी ला लीजिए, ये मन बच्चा मुस्कुराने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पेट में कुछ नहीं है। पेट में जाना चाहिए इसके ज्ञान का दूध। जैसे अभी ज्ञान का खजाना हम कह रहे थे, अभी उसी को हम कह रहे हैं ज्ञान का दूध, पवित्रता का मिल्क, शांति का मिल्क। कौन पिलाएगा? आत्मा। इसकी माँ है, किसकी माँ? मन की। कौन? आत्मा। क्या माँ? पिता कौन है? फिर हुआ ना, आत्मा एक बिंदी, परमात्मा दूसरी बिंदी, और बच्चा मन। जैसे आत्मा परमात्मा यानी माता पिता की कॉन्शियसनेस में आया, मारता चला जाएगा सबको बिंदी, कहीं फंसेगा नहीं। आज हमारे जीवन में इतनी सारी हलचल क्यों है, इतने प्रश्न कितने हमारे जीवन में है ना। परमात्मा कहते बिंदी लगाना कितना आसान होता है, टक टक क्वेश्चन मार्क खींचना, देखो ऐसे ऐसे हाथ मोड़ो, बच्चा तो बहुत मुश्किल से बना पाएगा ना, और बिंदी तो बच्चा भी लगा सकता है।
लेकिन जब आत्मा और परमात्मा की अवेयरनेस में नहीं रहते तो मुश्किल काम करते हैं। इसलिए हम जीवन में मेहनत बहुत करते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन मार्क बनाना कितना मुश्किल है ना। हम मेहनत बहुत करते हैं जीवन में। परमात्मा कहते हैं तुम मेहनत स्वरूप नहीं हो, लेबरिंग क्यों करते हो? तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम्हें मेहनत की दरकार नहीं है। मोहब्बत करो परमात्मा से तो प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि परमात्मा क्या मेहनत करते होंगे, लेबरिंग करते हैं? नहीं, वो पूरे प्रकृति का पति है, प्रकृति उसके आदेश पे चलती है। तो बच्चे गुलामी क्यों कर रहे हैं प्रकृति की? क्यों? क्योंकि खुद को भूले हुए होते हैं। ये पंच तत्वों का शरीर प्रकृति है ना, इसके मालिक हो ना, अपनी मर्जी से हाथ हिल के दिखाई, जरा हिलना जरा, ये अपने मर्जी से तो नहीं हो रहा ना, इसे मैं आत्मा ऐसे हिला रहा, राइट? तो मैं इसका मालिक हूँ ना, यानी प्रकृति का मैं मालिक हो गया। लेकिन इसकी कॉन्शियसनेस में हम रहते कितनी देर है? जितनी देर रहते हैं उतना अनुभव करेंगे, नहीं रहते तो मांगेंगे। तो बॉटम लाइन क्या है ये याद रहे, आपको सफलता चाहिए जीवन में, पहले तो इस शब्द को हटा दीजिए। सफलता चाहिए नहीं, जैसे कहते ना शांति चाहिए, शांति चाहिए नहीं, शांत तो मैं हूं, ऐसे ही सफलता चाहिए नहीं, सफलता मूर्त तो मैं हूं। और इसको पक्का करिए, अंदर जाइए, देखिए खजाने भरे पड़े हैं। जब इस यू नो इनसाइड आउट, आउटसाइड यानी इनसाइड आउट, भीतर से बाहर की तरफ, जब इस अवेयरनेस में कर्म क्षेत्र पर आओगे ना तो देखोगे सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। फिर ये नहीं कहोगे ये चाहिए, हूं ही, चीजें बस आ रही हैं, फ्लो में आएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचने से माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, और हाई फ्रीक्वेंसी पर जब माइंड सेट हो जाता है ना तो फिर बाहर से बहुत आसानी से चीजों को आकर्षित करता है। जैसे हम कहते हैं ना, लोहे का एक टुकड़ा अगर उसमें चुंबक लगा दी जाए तो वो अपने भार से 12 गुना भार की वस्तु को खींच सकता है, उसे उठा सकता है। लेकिन अगर उससे वो चुंबक हटा दी जाए तो वो अपने भार का एक ग्राम भी नहीं उठा सकता। तो ये चुंबकीय शक्ति हमारे अंदर तभी कार्य करती है जब हम इस अवेयरनेस में रहते हैं कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं विशेष विशेष रत्न हूँ, परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मेरे चित्त में हैं और मैं देख रहा हूँ वो कार्य कर रही हैं। तो आप देखेंगे कमाल के रिजल्ट। लेकिन ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले से शुरू करें हमेशा उठकर, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक टू योर माइंड। अपने माइंड से बात करने का सबसे बेहतरीन समय होता है। पहले भी बताया है, बार बार बताता हूँ कि जब हम इस समय सोकर उठते हैं उस समय पर दो हॉर्मोन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, एक होता है मेलाटोनिन, एक होता है कॉर्टिसोन। मतलब दो हार्मोन होते हैं, मेलाटोनिन सोन सुलाने का नींद का हार्मोन होता है जो अंधेरे में बनता है, और कॉर्टिसोन जो रोशनी में बनता है जो जगाने का हार्मोन होता है। ये उस समय पर मेलाटोनिन घट रहा होता है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा होता है, ये इस पॉइंट पर मिलते हैं। और जब ये मिलते हैं तो उस समय पर आप आधे जागे और आधे सोए हुए होते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। यस, और सबसे बड़ी बात, इस समय वायुमंडल में वैसेंट ऑक्सीजन होती है, राइट? जो हमारे हीमोग्लोबिन में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, चेहरे पर ग्लो बढ़ता है, हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती है और बहुत रिलैक्सेशन रहता है सबसे बड़ी बात। और इस कारण से हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन भी बनता है, आनंदामाइड भी मेडिटेशन से बनता है, इस बारे में भी बातें करेंगे आगे। और जीवन बहुत सुख में हो जाता है, इसीलिए तो योगियों के चेहरे पर एक तेज होता है, ठीक है? अच्छा करिएगा, है